सो गाइस वेलकम है आपका अपने चैनल ममता ब्लॉग में। तो गाइस कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब भी अच्छे होंगे। सो गाइस आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी पकौड़ा। तो अभी कढ़ी बनाऊंगी, तो कढ़ी बनाने के लिए मैंने पकौड़ियां जो हैं तल ली हैं यहाँ पे, देखिए। और यहाँ पे मैं पापड़ सेक रही हूँ। पापड़ जो भाई लोग ऊपर छत पे काम कर रहे हैं उनके लिए चाय का टाइम हो गया था। ये आफ्टरनून का टाइम था, दिन के 12 बज रहे थे, तो अभी चाय का टाइम हो गया था। तो मैंने बोला सूखी चाय क्या देनी है, चलो कुछ तल देती हूँ। तो ये पापड़ वगैरह तल रही थी उनके लिए और साथ में चाय भी रख दिया था। तो गाइज ये कल वाले ही ब्लॉग का सेकेंड पार्ट है। कल मैंने स्कूल टाइम शेयर किया था आपसे, मॉर्निंग रूटीन स्कूल टाइम का, और ये आफ्टरनून का टाइम है। तो यहाँ पे पापड़ सेक चुके हैं, पकौड़ियाँ तल चुकी हैं, चाय बन चुकी है, तो मैं अभी भाई लोगों को दे दूँगी जाके। तो ये देखिए चाय अभी बन रही है, बन चुकी नहीं है, वॉइस ओवर कर रही हूँ ना इसलिए हो रहा है। और पापड़ भी सेक रहे हैं अब थोड़े से और। तो यहाँ पे अभी मैं भाई लोगों को चाय और पापड़ दे आई थी और अभी मैं कढ़ी बनाने लगी हूँ। और चावल का पानी भी रख दिया है गर्म होने के लिए। तो अभी यहाँ पे कढ़ी बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो बस यही प्रोसेस चालू हो गया है। तो आप देखिए इंजॉय करिए। और रेसिपी वगैरह तो कुछ शेयर नहीं करूँगी, बस यही शेयर करूँगी कि क्या बन रहा है आज, क्योंकि कढ़ी की रेसिपी पहले भी बता चुकी हूँ। और ये अजवाइन ख़त्म हो गया था मसालेदानी में, तो मैं अजवाइन ही भर रही थी और गलती से जीरे का डब्बा उठा लाई थी। और फिर से यहाँ पे देखिए मैंने जीरा अजवाइन जो है डाल दिया, सूखे मसाले ऐड करूँगी। और इसमें कसूरी मेथी सूखी जो रहती है वो ऐड करूँगी, उससे ना बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है कढ़ी में। वो वगैरह सब यूज़ कर लूँगी और साबुत धनिया यूज़ करूँगी, मेथी यूज़ करूँगी, बाकी ज़्यादा तामझाम नहीं करूँगी। हाँ लहसुन प्याज डाला था मैंने। और बस ये सब आपके साथ शेयर करूँगी, बने रहिएगा वीडियो में। और यहाँ पे मैं तड़का छोंक दे रही हूँ और आप देखिए इंजॉय करिए। थोड़ा बीच बीच में वॉइस ओवर जो है नहीं करूँगी, बीच बीच में कर दूँगी, तो आप इंजॉय करिए वीडियो को। और यहाँ पे मैंने तड़का जो है लगा दिया था और जो बेसन घोल के रखा हुआ था ना वो भी डाल दिया था। और इसको अभी मैं लगातार चलाती रहूँगी, थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि बेसन थोड़ा कम दही में घोल के रखा था मैंने, फेंट के रखा था। तो अभी इसमें थोड़ा पानी और थोड़ी लस्सी ऐड करूँगी, लस्सी भी था तो लस्सी भी ऐड करूँगी ताकि कढ़ी जो है अच्छे से बने। तो देखिए कढ़ी हमें लगातार इसको रेगुलर चला रही हूँ कड़छी को। और जब भी मैं वीडियो बनाती ना तो कभी गद्दे बेचने वाला, कभी सब्जी बेचने वाला, कभी कबाड़ी वाला, कोई ना कोई आता ही रहता है। और वीडियो में ना कुछ आवाज़ जो है बाहर से आ जाती हैं, लेकिन क्या करें, गली के साथ ही घर है और गली के साथ ही एकदम अटैच किचन है, तो कुछ भी जो बाहर से आवाज़ें आती हैं, सामने ही गेट है तो एकदम से सीधी आती हैं। आ जाएगा तब मैं ये पकोड़े डाल दूंगी। और इसमें मैंने सूखा कस्तूरी मेथी जो है डाल दिया है और यहाँ पे मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं। चावल और कढ़ी बनेगा, रोटी वगैरह नहीं बनेगी अभी, और क्योंकि टाइम हो रहा है 1 बज रहा है, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, मुश्किल हो जाती है संभालना। तो बने रहिएगा वीडियो में और इंजॉय करिए कढ़ी चावल। और बाकी अगर किसी को पकौड़ी खानी है तो खा सकते हैं। और साथ में मैंने ये पापड़ भी तले हुए हैं चाय के साथ। हर वीडियो में चाय जो बनती रहती है, क्योंकि चाय बहुत ज़्यादा बनती है मेरे घर में। और आजकल तो वैसे भी काम चल रहा है तो भाई लोगों के लिए भी चाय बनाने की रहती है, और वैसे भी बहुत ज़्यादा चाय बनती है। जब भी किचन में रहती हूँ तो चाय तो ज़रूर बनती है खाने के साथ साथ। तो बने रहिएगा वीडियो में, एंजॉय करिए। और मैं अपनी कढ़ी पे फोकस कर लेती हूँ, कहीं ये उबल के बाहर ना जाए, सब दिक्कत हो जाएगा और ज्यादा काम बढ़ जाएगा, क्योंकि कढ़ी में आपको पता बेसन डलता है तो बेसन जो वो उबाल लेता है और
सारा नीचे गिर जाएगी तो प्रॉब्लम होगी, सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। और चावल भी मैं भिगो के रखती थी पहले ही, चावल चुन के साफ करके पानी में भिगो के रख देती हूँ मैं पहले ही, जब बनाने से पहले आधा घंटा पहले रख देती हूँ। क्योंकि कढ़ी पकने में बहुत ज्यादा टाइम लगाती है। सो गाइज देखिए यहाँ पे किचन भी साफ़ हो गया और थाली भी लग गई है। ये है सैलड जो मैंने काट के रखा है और प्लेट लग चुकी है खाने की, और साथ में कढ़ी सैलड और चावल है। तो आप लोग इन्जॉय करिए और खाइए और मस्त रहिए, और वीडियो पे आते जाते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए, और एक न्यू और ब्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर होंगी मैं। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, ये ग्रीन चिली ज़रूर खा लेना, ये मैंने अपनी छत से तोड़ के लेके आई हूँ, बहुत ज़्यादा तीखी है। तो आप लोग इन्जॉय करिए, अच्छे अच्छे कमेंट करते रहना, और सच में बहुत यम बनी थी कढ़ी, बहुत ज़्यादा टेस्ट थी। तो एक न्यू ब्लॉग में आऊँगी, मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग इन माय वीडियो। और प्लेट देखिए आप कितनी सुंदर लग रही थी, मेरी कढ़ी की रेसिपी।